आलू चाहिए पड़ेंगे। तो यहाँ में हमने 4 से 5 आलू लिए हैं। छाछ या मठा या फिर दही इस तरीके से आप ले लीजिए। ये अराउंड हमने 1.5 कप के अराउंड है ये, तो ये ले लिया है। थोड़ा सा जिंजर जाएगा, ग्रीन चिलीज जाएंगी, करी लीव्स जाएगा, लास्ट में फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। और कुछ जो मसाले हैं वो इस तरीके से जाएंगे सूखे, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, 1/4 टीस्पून के अराउंड हल्दी, लगभग 1 से 1.5 टीस्पून के अराउंड कश्मीरी लाल मिर्च, और सॉल्ट टू टेस्ट, और बनाने के लिए घी। तो सबसे पहले पैन रखते हैं और घी को गर्म होने देते हैं और आलू ले लेते हैं। आलुओं को हमको कट नहीं करना है, आलुओं को हम रफली मैश करेंगे। तो आलू ले लेते हैं और इनको इस तरीके से हम कुछ बड़े कुछ छोटे साइज के इसको मैश कर लेते हैं। आलू को कुछ पीस बड़े रहने देते हैं और कुछ पीस छोटे रहने देते हैं, जिससे कि ग्रेवी में भी इजीली ये कंबाइन हो जाएंगे। तो ये यूजुअली रफली रहते हैं, इनको कट नहीं किया जाता है इन आलुओं को। तो हमने इस तरीके से ले लिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज़ीरा ऐड करने से, ज़ीरा और हींग ऐड करेंगे सबसे पहले। हींग आएगा सबसे पहले, ऐड करेंगे हल्दी, और ऐड करते हैं आलू। ऐड करेंगे सॉल्ट, ये जो हमारा छाछ है इसमें हम ऐड करते हैं हमारी जो लाल मिर्च है और जो सौंफ पाउडर है वो हम इसी में ऐड कर देते हैं पहले। इसको जल्दी से अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको हम हमारे आलू में ऐड करते हैं। और काफ़ी पतले रहते हैं तो इसलिए हम इसको चलाते जाएंगे कंटिन्यूसली और इसमें बॉईल आने देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आएगा जो कि कश्मीरी मिर्च से आ रहा है और हल्दी बहुत कम ऐड करी है। तो अभी इसको हम अच्छे से एक बॉईल आ जाने देते हैं इसमें। कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे, बॉईल आने देंगे।
कंटिन्यूसली इसको स्टर करते जाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट दही ऐड हुआ है। इसमें इवन और कोई मसाले भी ज़्यादा हमने कुछ ऐड नहीं करे, बट ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे जब ये बनेगी ना सब्जी। और इसमें दही हल्का सा खट्टा हो या फिर छाछ भी खट्टा ही होना चाहिए, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको गरम गरम हम आज पूरी के साथ सर्व करेंगे, फास्ट की एक टाइम वाली थाली के साथ। बॉईल हो रहा है, इसमें आधा धनिया हम पहले ऐड कर देंगे और लास्ट में थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए छोड़ेंगे। इसको अच्छा बॉईल होने किसी भी दही की ग्रेवी में, जब भी आप दही ऐड कर रहे हो और यदि ग्रेवी पतली है तो उसको कंटिन्यूसली चलाते रहो, तो उससे दही फटेगा भी नहीं। बस इसको 3-4 मिनट और हम पकाएंगे और ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी रहेगी। तो बनाइए ज़रूर इस तरीके से दही वाले आलू, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सिंपल और इजी तरीका, जब यदि सब्जियां घर पे ना हो और आलू हो केवल, तो आप बनाइए दही वाले आलू।